हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मिता का किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी और फालूदा। यहाँ मैंने पॉट में आधा केजी के आसपास दूध लिया है और उसको गाढ़ा करके लगभग एक तिहाई कर लिए हैं। इसमें थोड़ा सा केसर मिक्स कर दिए हैं। मेरा दूध गाढ़ा हो चुका है। इसमें आप चाहें तो 2 चम्मच चीनी डाल दें। मैंने होममेड बना हुआ कंडेंस मिल्क इसमें ऐड किया है। अब मेरा दूध रेडी हो चुका है। अब इसको हम अलग रख लेंगे। अब एक बाउल में आधा कप पानी लेंगे, नॉर्मल पानी जो होता है रूम टेम्परेचर पे। इसमें 2 चम्मच सब्जा मिलाएंगे। इसमें हम 2 चम्मच सब्जा मिलाएंगे और इसको अलग रख देंगे फूलने के लिए। ये देखिए मेरा सब्जा फूल के तैयार हो चुका है। यहाँ एक पैन लेंगे, इसमें 2 कप पानी लेंगे। अभी इसको हम गैस पे नहीं चढ़ाएंगे, ये प्रोसेस हम नीचे ही करेंगे। अब इसमें 1/2 कप के आसपास अरारोट पाउडर मिक्स करेंगे और नीचे ही इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। जब अच्छी तरह घुल जाए तब इसको हम गैस पे चढ़ाएंगे। ऑन करेंगे और मीडियम लो आंच पे इसको धीरे धीरे लगातार चलाते रहेंगे। हाथ रोकना नहीं है, लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए अब मेरा घोल गाढ़ा हो रहा है। अब यहाँ पे हम लगातार चलाएंगे, हाथ बिल्कुल ना रोकें। ये देखिए मेरा बैटर ठीक हो रहा है। अब ये मेरा बैटर ठीक हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे। अब एक सेवई मेकर लेंगे और उसमें ये बैटर को गरम गरम ही डालेंगे, ठंडा नहीं होने देंगे। अब इसमें ये जाली लगाएंगे और ऑयल का ब्रशिंग कर लेंगे अंदर चारों तरफ। अब एक बाउल में हम ठंडा पानी लेंगे और कुछ आइस के टुकड़े लेंगे। और इस मेकर में गर्म गर्म ही मिश्रण को सब डाल देंगे। अब इसमें मैंने सारे बैटर को डाल दिया है। अब इसको हम सेट कर लेंगे। और ये जो मैंने यहाँ पे ठंडा पानी रखा है बाउल में, उसमें गोल गोल घुमा के चारों तरफ सेवइयाँ आपने तैयार कर लेंगे। Thank you.
5 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब मेरा ये फालूदा सेट हो चुका है और यहाँ मेरा दूध भी ठंडा हो चुका है। इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट यम्मी लगे। अब एक बड़े से ग्लास में फालूदा डालेंगे। यहाँ फालूदा डाल लेंगे, ये रू अफजा होममेड है। इसके बाद इसके लेयर लगा लेंगे फालूदा के ऊपर और साइड से भी ग्लास में हल्का सपोर्टिंग कर लेंगे। इसके बाद मैंने जो सब्जियां फुला के रखी थी उसे भी 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। टूटी फ्रूटी डालेंगे ताकि देखने में ये खूबसूरत लगे। ये भी होममेड है। और यहाँ पे मैंने जो दूध गाढ़ा करके रखा था इसके ऊपर से वो डालेंगे। लगा देंगे और फिर से सेवैया डालेंगे इसके ऊपर से, एक लेयर इसका भी लगाएंगे। एक बार फिर आइसक्रीम का एक लेयर लगाएंगे। एक बार फिर से आइसक्रीम लगाएंगे। अब कुछ ड्राई फ्रूट से इसको गार्निशिंग करेंगे। एक मैंगो का पीस लगाएंगे। कुछ टूटी फ्रूटी भी डालेंगे। अब ये मेरा फालूदा तैयार हो गया है। ये ज़रूर आप ट्राई करें, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
Thank you everyone for watching. Please do like, share, comment and subscribe.